Welcome back. We were discussing about types of survey design. So in coherent cohort study, a group of people sharing common features or aspects of behavior is studied over a specific period of time. Some member of cohort may not be included each time. Shift karte rahenge, kuch logon ko नए ले लेंगे और पिछले वालों को जाने देंगे. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो हमने चार्ट में देखा उनको कुछ में क्या करते हैं. गैदर डाटा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. सक्सेसिव मेजर्स आर टेकन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम ऑफ द सेम रिस्पोंडेंट. इससे होता क्या है? हेल्प रिसर्चर्स टू एनालाइज द ड्यूरेशन ऑफ सोशल फिनोमेना. Highlight similarities and differences over the change of time. Identify long-term effects. Cross-sectional mein kya hai ke study is one that produces a snapshot of a population at a particular point in time. Measure of physical and intellectual development of sample of children drawn from representative age group. इसके एग्जांपल में अगर आपको दूं तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल में ये है कि एक ही वक्त में एक सर्टेन टाइम में आपने डाटा इकट्ठा करना है लेकिन मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों से. यानी आप अपना लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों के, तो आप छठी सातवीं आठवीं नौवीं क्लास के बच्चों को एक ही वक्त में अपने सैंपल में ले सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. दिस विल बी द क्रॉस सेक्शनल सॉर्ट ऑफ सर्वे डिजाइन. एंड लॉन्गिट्यूडनल इज के एक सर्टन ग्रुप के साथ आपने मुख्तलिफ टाइम्स में देखना है कि उनमें चेंज कैसे आती है और ये ओवर द टाइम उनकी हैबिट्स कैसे चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी कंसल्ट करना शुरू कर दें तो वो छठी क्लास में उनकी रीडिंग हैबिट्स क्या थी, सातवीं में क्या थी, आठवीं में क्या थी, या फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप सिमिलर सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल बन जाती है. और इन वन स्नैपशॉट टाइम में मल्टीपल लोगों के साथ आप काम कर रहे हो तो वो क्रॉससेक्शनल बन जाती है. Characteristics of survey research. Sampling from a population, मैंने पहले बताया. Collection of data through questionnaires or interviews. इसमें यह है कि interview, observation, inventory, questionnaires के जरिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं. Designing instruments for data collection. Data collection के लिए relevant जो features या factors हैं उन पे अपना cover करता हुआ एक काम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं. और हाई रिस्पांस रेट, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80 प्लस का रिस्पांस आ जाए तो इट विल बी अ हाई रिस्पांस रेट. लेकिन हम रिसर्च अपनी रोक नहीं सकते. अगर 50 लोगों का डाटा आए तो उस पर नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को हम इन करें. पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम एंड सैम्पल, ये डिफरेंट फोर टर्म्स हैं. तो इनको हम लर्न करते हैं कि एक्चुअली टर्म्स कहलाती क्या है. और ये बड़ी स्लाइटली डिफरेंस है इनके अंदर और अक्सर भूल जाती हैं. और जब कोई लोग बात करते हैं तो समझ नहीं आती कि डिफरेंस क्या था. तो ज़रा प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा. द पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग वन करेक्टरिस्टिक्स that distinguishes them from other groups. नहीं, लोगों का एक ऐसा ग्रुप कि उनके अंदर कोई एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो बाकी ग्रुप के लोगों के अंदर नहीं है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू कंडक्ट स्टडी अबाउट लर्निंग हैबिट्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज opted by the teachers. अब टीचर
लफ्ज़ जो है एक बड़ा कैनवस है, बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर आगे फर्दर ग्रुप्स हैं। किस बुनियाद पर? जेंडर की बुनियाद पर ग्रुप्स हैं, मेल टीचर, फीमेल टीचर, यानी ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। इस करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर आप कर सकते हैं, रूरल और अर्बन की बुनियाद पे ये दो अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर फिर फर्दर उसको आपने और नैरो कर लिया। फिर आप पब्लिक और प्राइवेट टीचर्स की बात कर सकते हैं, तो ये अगेन एक अदर करेक्टरिस्टिक्स है तीसरा, जिसकी बुनियाद पर और नैरो डाउन हो गया कि आपने रूरल टीचर लेने हैं, रूरल फीमेल लेनी है और पब्लिक सेक्टर की लेनी है। अब पब्लिक सेक्टर में स्कूल है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अगेन इन चार करेक्टर्स की बुनियाद पर हम उसको और नैरो कर सकते हैं। हम कह दें कि जी यूनिवर्सिटी टीचर्स, वो यूनिवर्सिटी टीचर्स जो फीमेल हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है वो रूरल है। अब देखें आइडेंटिफाई हो गया ना एक सर्टन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, एक ग्रुप डिस्टिंग्विश हो गया बाकियों से, तो इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और ये हम अपनी जो पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च साइट के साथ साथ वहाँ हम बता देते हैं। नाउ द टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जहाँ से सैंपल उठाना होता है। द एक्चुअल लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड, दैट इज नोन एज द टारगेट पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन जिसको आपने टारगेट करना है, जिसमें से आपने लोगों को सैंपल के लिए उठाना है, दैट इज आल्सो नोन एज सैंपलिंग फ्रेम। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप सर्वे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बुनियाद पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड होगी। लेकिन कहाँ के, किस लेवल के? अच्छा आप कह लें एमफिल स्टूडेंट्स, और नैरो डाउन हो गया। एमफिल के बाद आप कह देते हो कि नहीं, एमफिल में भी इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स, और नैरो डाउन हो गया। लेकिन अभी पॉपुलेशन आपकी टारगेट नहीं हुई, पॉपुलेशन ज़रूर आप डिफाइन कर रहे हैं लेकिन टारगेट नहीं हुई। टारगेट पॉपुलेशन कब होगी? जब आप ये भी डिसाइड करेंगे कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या प्राइवेट सेक्टर। अच्छा कह दिया प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, पॉपुलेशन अगेन जो है वो मज़ीद आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन अभी तक आप इसको टारगेट पॉपुलेशन नहीं कह सकते। टारगेट जब कहेंगे, जब आप बताएंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एम फिल इंग्लिश करने वाले तलबा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है इन पंजाब। अब आपने लफ्ज़ पंजाब बोल दिया तो ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो गई कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एमफिल इंग्लिश करने वाले तलबा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन पे सर्वे कंडक्ट करना है। अब पंजाब बहुत बड़ा है और पंजाब के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 50 के करीब हैं या शायद 35। इन 35 यूनिवर्सिटीज़ में से एक्सेस करना आपको आसान नहीं है, क्या पता हर यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हों और क्या। यहाँ से सैंपल ड्रा करेंगे, अब चूंकि करेक्टरिस्टिक सब की कॉमन आ गई और कोहोर्ट टाइप ऑफ सैंपल आपको यहाँ लेना है, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा 35 यूनिवर्सिटीज में से रैंडमली आप सिलेक्ट करेंगे 7 यूनिवर्सिटीज, 5 यूनिवर्सिटीज, तो ये रैंडम इस तरह हो जाएगा कि अगर आप हर 5वें नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी लें तो 7 यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, यानी 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं। लिस्ट एक बना लेंगे अल्फाबेटिकली, नंबर उसको सीरियल दे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 35। तो इस तरह से वहाँ से आप हर 5वें नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी को उठाएंगे, ये रैंडमली है, यानी
इक्वल चांसेस हैं यूनिवर्सिटीज में, रैंडम में ये होता है कि इक्वल चांसेस होते हैं टू बी सिलेक्टेड। तो ये जो आपने 5 या 7 यूनिवर्सिटीज जो ली जहाँ से डाटा इकट्ठा करना है, दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन। अब इसमें से जो सैंपल है वो अगेन एक अलग स्टोरी है कि सैंपल किस तरह उठाना है। लेट्स सी व्हाट हाउ वी कलेक्ट सैंपल एंड व्हाट द सैंपल इज। द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी सिलेक्टेड फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन फॉर विच द रिसर्चर जनरलाइज टू द टारगेट पॉपुलेशन। यानी सैंपल वो है लोगों का एक ग्रुप है जो आप टारगेट पॉपुलेशन में से लोग लेते हो और उनसे लिए हुए डाटा के रिजल्ट्स जो हैं उनको आप जनरलाइज करते हो उसी टारगेट पॉपुलेशन पे। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है अभी तक, तो बताएं। ये बड़ी 3 अहम टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन या सैम्पलिंग फ्रेम एक नाम है, और सैंपल। टारगेट पॉपुलेशन को ही सैंपलिंग फ्रेम भी हम कहते हैं। फॉर क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू रेज योर हैंड प्लीज। ओके आई थिंक सो। मोहम्मद कासम प्लीज। हेलो हेलो सर, सैम्पलिंग फ्रेम को जरा ये दोबारा रिवाइज कीजिएगा, टारगेट पॉपुलेशन या सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, सैम्पलिंग फ्रेम इज दैट पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू सिलेक्ट द सैम्पल। यूनिवर्सिटी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर इस टारगेट पॉपुलेशन में आ गई। यानी वो जो पॉपुलेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी पंजाब की लेनी थी उनमें से हमने 7 यूनिवर्सिटी लेनी थी, एक मिनहाज यूनिवर्सिटी आ गई, दैट इज द पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। अब सैम्पलिंग फ्रेम में ये है कि एमफिल इंग्लिश में यहाँ पे सेमेस्टर 1, 2, 3 मिला के कोई 400 या 300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे तो हम नहीं ले सकते। हमने ये करना है कि हर सेमेस्टर में से 10-10 बच्चे लेने हैं। तो ये जो 10-10 स्टूडेंट हर सेमेस्टर में से ले रहे हैं, तो 3 सेमेस्टर्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो सैंपल होंगे। कहाँ से आए हैं? इन 3 सेमेस्टर्स में से। तो ये 3 सेमेस्टर जो हैं ये सैंपलिंग फ्रेम कहलाएंगे, जहां से सैंपल निकला है। जी साजिद इकबाल। जी एक्चुअली सर, मैं यहाँ पे जो टारगेट पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रेम है इनमें थोड़ा जो डिफरेंस है उससे क्लियर कर दें सर। अभी बताया मेरा भाई, हटाओ। एक्चुअली टारगेट पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रेम, नेक्स्ट हमारे पास सैंपल है, यहाँ पे थोड़ा जो कंफ्यूजन हो रही है एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दो वर्ड या दो सेंटेंसेस के अंदर थोड़ा क्लियर कर दे सर। टारगेट पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग फ्रेम इज द कॉमन थिंग, नेम ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज के दो नाम हैं। व्हेन वी गो फॉर द वर्ड पॉपुलेशन, उसमें से वो यूनिवर्सिटीज जो हमने जहाँ से सैंपल लेना है उसे हम टारगेट पॉपुलेशन कह देते हैं या उसे सैंपलिंग फ्रेम भी कह देते हैं। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको 3 सेमेस्टर्स की, दैट वाज द टारगेट पॉपुलेशन फॉर दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन पॉपुलेशन का लफ्ज हम ओवरऑल रिसर्च में पूरी में यूज करेंगे, इसलिए उसको सैम्पलिंग फ्रेम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बात से ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक छोटी सी एम्बिग्विटी थी यहाँ पर। मैंने पहले ना सर हमने LRGA की किताब पढ़ी थी, तो ठीक है। उसके अंदर ना मुझे अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर डिलिमिटाइजेशन का वर्ड भी यहीं पे यूज हो रहा था कि जब आप अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा डिलिमिट करते हैं तो उसके बाद अपनी टारगेट या सैंपल आ जाता है, तो क्या वो यहाँ पे अप्लाई होता है या वो इससे कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट ही है।
when the researcher goes for delimitations, मैं दोबारा पहली वाली बात पे जाऊंगा कि पूरा पंजाब हमारी पॉपुलेशन थी, पूरे पंजाब के अंदर एक स्टूडेंट के लिए, एक रिसर्चर के लिए मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को वो एक्सेस कर सके. सो ये उसको डिलिमिट कर लेता है कि मैं पंजाब के अंदर से तीन बड़े शहरों में मौजूद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ले लूंगा, लाहौर ले लूंगा, मुल्तान ले लूंगा, बहावलपुर या रावलपिंडी ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये उसने सो का डिलिमिट कर लिया है कि इन अकेला लाहौर भी कर सकता है, क्योंकि 35 में से कोई 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ लाहौर के अंदर है, तो वो एक रीजनेबल सैंपल तीसरा हिस्सा बनता है 33%. सो द स्टडी कैन बी डिलिमिटेड अप टू द सिटी लाहौर ओनली. तो अब जो लाहौर हो गया, ये उसकी टारगेट पॉपुलेशन निकल आई डिलिमिटेशन के रिजल्ट में. ठीक हो गया. अच्छा सर, जी सर, एक तरफ ये था कि पॉपुलेशन से टारगेट की तरफ मूव करना और फिर टारगेट से सैंपल की तरफ मूव करना, ये दोनों जो है ये डिलिमिटेशन के ही स्टेजेस हैं कि आप उसको फर्दर मज़ीद नैरो डाउन करते हैं. मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में जो डिलिमिटेशन है ये, अगर वास्ट कैनवस में इसको आप समझने की कोशिश करें तो उसी मीनिंग में आते हैं जो आप कह रहे हो कि फ्रॉम पॉपुलेशन टू टारगेट एंड टुवर्ड्स सैंपल. लेकिन रिसर्च की टर्म में इसे मेथडोलॉजी कहते हैं. ठीक हो गया. यस सर, ठीक है, थैंक यू, वेलकम. आई थिंक सो आपको क्लियर है, आगे चलते हैं. Forms of data collection based on who completes or records the data. So, क्योंकि data collect जो करना है वो participants से करना है और researcher खुद है जो उसको record कर रहा है या उस collected data को maintain कर रहा है. Participants में को हम दो तरह से पूछ सकते हैं, questionnaire बना के उनको mail कर देते हैं, थ्रू सरफेस मेल कर देते, ठीक है, या खुद जाके वन बाय वन उनसे कंप्लीट करवा लेते हैं. लोगों की टीम हायर कर सकते हैं, उन्हें पैसे दे सकते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ यहाँ इन लोगों के पास आना है, ये क्वेश्चनर ले जाएं और उनसे डाटा इकट्ठा करवा दें. लेकिन इसमें मस्ट होना चाहिए कि जो डाटा इकट्ठा करवा रहा है बाय हैंड जा करके, उसे खुद क्लियर हो कि ये क्या काम है, इसके अंदर क्या मालूम फाइंड करना है, वो उसके सवाल करने पे उसकी वजाहत कर सके कि नेचर क्या है इस काम का. आजकल एक और बड़ा सिंपल और मशहूर तरीका है, मारूफ, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनेयर. वेबसाइट लोग एक पे बनाते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लोगों को ईमेल कर देते हैं कि जी आप इस पे इसको फिल कर दें तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास डाटा आ जाता है. रिसर्चर क्या करता है कि वन ऑन वन इंडिविजुअल इंटरव्यू के जरिए जो डाटा उसने कलेक्ट करना है, इसमें वो उसने खुद बराह रास्त इन्वॉल्व होना है. इंटरव्यू देने वाले ने बोलना है, अब ये रिसर्चर का काम है कि उसके इंटरव्यू को रिकॉर्ड करे, लिखे जवाब उसके जो हैं और फिर उनको कोड करे टू अ ग्रुप. समटाइम फोकस ग्रुप पे डाटा लिया जाता है. फोकस ग्रुप का मतलब है 7 से 12 लोग जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स रखते हों, उनको आप इकट्ठा कर लें अपने सैंपल में से एक जगह और डिस्कशन पे बिठा दें और उनकी डिस्कशन के पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, या फिर टेलीफोन के ऊपर भी इंटरव्यू हो सकता है और इस तरह रिकॉर्डिंग और लिखी जा सकती है. ये तीनों काम रिसर्चर ने बराह रास्त खुद करने होते हैं, जबकि क्वेश्चनेयर में रिसर्चर ने खाली क्वेश्चनेयर देना है, उसके में जो लिखना है, जो मैनेज करना है, जो जवाब जैसा भी है वो पार्टिसिपेंट का काम है जिससे कलेक्शन की जा रही है डाटा. ये आप एक बड़ा खूबसूरत सा टेबल देख रहे होंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे डाटा कलेक्शन मेथड. ये जो मैंने बुक आपको दी हुई है उसके अंदर भी है, लेकिन हम इसको दोबारा देखते हैं. आप फर्स्ट कॉलम टॉप डाउन पढ़ें तो इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डाटा कलेक्शन के डिस्कस किए हुए हैं, और आगे जो 4 कॉलम्स हैं उनमें बताया हुआ है कि किस किस तरह का डाटा हो. तो उसके फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बराह रास्त जा करके क्वेश्चनेयर लोगों को देना.
टेलीफोन में, इनके टेलीफोन पे आप उनसे कॉल करके पूछ रहे हो, मेल के जरिए ईमेल या सरफेस मेल वगैरह, या फिर इंटरव्यू। तो फर्स्ट कॉलम से पहला पॉइंट में कंपैरेटिव कास्ट, यानी पैसा, टाइम और पैसा कितना लगता है। तो वो कह रहा है कि जो क्वेश्चनर आप जाके डायरेक्ट लोगों को देते हो उस पर कास्ट बहुत कम लगती है। ट्रैवल कास्ट की आनी है और क्या नहीं, टेलीफोन पे भी बहुत एक कॉल के पैसे पड़ने, मेल बहुत लो कास्ट होती है, जबकि इंटरव्यू हाई कास्ट होता है, उस पर ज़्यादा खर्चा आता है। क्यों ज़्यादा आता है कि इंटरव्यू के लिए आपने सेटअप बनाना, रिकॉर्डिंग करनी, सारा कुछ, उनको बुलाना, उनके पास जाना, एक प्रॉपर अच्छा फैसिलिटी इज नीडेड। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती हैं, टेलीफोन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, मेल करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, इंटरव्यू करने तो आपको फैसिलिटी चाहिए। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्वेश्चन पे एयर को जाकर देना, लोगों से डाटा फिल करवाने के लिए, इसके लिए फैसिलिटीज क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रैवल करेंगे, पैसे चाहिए। दूसरे का टाइम का ख्याल करना है, हो सकता है आपका टारगेट हो कि आपने एक दिन में 10 लोगों को मिलना है, लेकिन अगले के पास टाइम ना हो, इसके लिए आपको बार बार उससे रब्ता करना पड़ता है। आप उसकी कन्वीनियंस लेते हैं, उसके कंसेंट से उसके पास जाते हैं ताकि उसका आपका टाइम जाया ना हो। तो यहाँ पे फैसिलिटीज चाहिए हैं। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑफ क्वेश्चनेयर मस्ट, मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी होती है कि पता हो क्वेश्चनेयर क्या है, कैसे है, इवन पार्टिसिपेंट्स को। ये हमारे यहाँ ही नहीं होता, आप सब फील्ड के लोग हैं, पता ही होगा आप लोगों को, क्लास हो रही होती है, बाहर कोई एक बंदा आ जाता है, वो रिसर्चर खुद भी नहीं होता, तो टीचर को सारी ये डाटा लेना, फॉर्म फिल करवा दें, टीचर भी कहता चल क्लास में से 15-20 मिनट के जरा सुकून मिल जाएगा, दे दो कर दो। अब वो लिखने वाले भरने वाले भी एक दूसरे को देख के क्या टिक करना है क्या नहीं करना, पढ़े बगैर अंधाधुंध टिक क्रॉस लगाते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हों उन्हें पता हो कि हम क्या फिल कर रहे हैं, और इसके कुछ रिसर्च एथिक्स होते हैं। आप उन लोगों से टाइम लें, उन टाइम का उन्हें पे करें। लोगों को एक दिन के लिए कुछ सेशंस के लिए पूरे 8 घंटे के लिए हायर करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उसमें उन्हें एक सेशन में ट्रेनिंग देते हैं कि ये क्वेश्चनर में कहना क्या है, पूछा क्या गया हुआ है, कैसे फिल करना है, उनके चाय पानी का ख्याल रखा जाता है, फिर उनसे फिल करवाया जाता है और ये ट्रू डाटा होता है। फिर टेलीफोन पे भी ज़ाहिर है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ईमेल और इंटरव्यू, ईमेल में, मेल में कोई ज़रूरत नहीं है और इंटरव्यू में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद। डाटा कलेक्शन टाइम इंटरव्यू और मेल में ज़्यादा लगता है, दूसरे दोनों में कम लगता है। रिस्पांस रेट सबसे पुअर मेल में होता है, खत का जवाब भी कोई नहीं देता, ईमेल का जवाब भी लोग इस तरह बस। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, सिर्फ पॉसिबल होती है इंटरव्यू में और डाटा लोगों से बाय हैंड इकट्ठा करने में। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि लोगों को इकट्ठा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होकर डाटा दे लें। अलाउ फॉर रैंडम सैंपलिंग, ये टेलीफोन पे तो नहीं हो सकती लेकिन बाकियों पे हो सकती है। फिर रिक्वायर लिटरेचर लिटरेट सैंपल, जो वो सैंपल वो लोग जिनको डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो लिटरेट हों, उन्हें पता हो। यस हमारा सर, मुझे ये पूछना था कि जब हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो वो मेल और टेलीफोन पर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब हम कांटेक्ट करेंगे किसी से टेलीफोन पे या मेल पे तो वो पॉसिबल है कि वो हमारे जानने वाले लोग हों, वो रैंडमली तो नहीं होंगे। मींस उसके लिए ये भी जरूरी है कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हों। सर ये रैंडम जो सैंपलिंग है इस पर कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये इस तरह पॉसिबल है कि टेलीफोन या मेल तो एक ज़रिया है ना उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेने का, लोग आपने पहले से आइडेंटिफाई करने हैं उनके प्रोफाइल के लिहाज से। फर्ज करें आप अपने थीसिस के लिए आपको टीचर्स को एक्सेस करना है कि उनसे डाटा लेना है, वो टीचर जो रिसर्च पढ़ाते हों उनमें से एक मैं भी अगर हूँ और आप मेरे से कंसर्न ले लेते हैं कि सर आप टेलीफोन पे या ईमेल का जवाब दे देंगे, मैं कह देता हूँ यस, आपने मुझे अपने हिसाब से 100 टीचर्स में से या 50 टीचर्स में से रैंडमली 10 लेने थे, तो आपने मुझे सिलेक्ट रैंडमली करने, डाटा जो कलेक्ट करना है थ्रू ईमेल या टेलीफोन वो मेरी कंसेंट पे एक फॉर्म है, एक नेचर है, वाया है, जरिया है। मतलब अगर आप मुझे कहते हैं कि जी मैंने आपके पास आना है एक दिन फलाने दिन टाइम दे दें मैंने डाटा कलेक्ट करने के लिए आना है, तो मैं अपनी कन्वीनियंस और आपकी कन्वीनियंस के लिए कहता हूँ कोई जरूरत नहीं, आप खुद ना आए,
आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो सिलेक्ट तो मैं पहले से हो चुका हूँ रैंडमली, क्लियर हो गया जी। ये पॉसिबल है, आपने पहले से सिलेक्शन की हुई है। अलाउ फॉर ओके रिक्वायर लिटरेट पीपल परमिट फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चन जो हैं आप टेलीफोन पे तो आसानी से कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं, बाकी ईमेल आ गई तो आ गई और क्वेश्चन फिल हो के आ गया तो आ गया, आप दोबारा नहीं कर सकेंगे। एनकरेज रिस्पॉन्स टू सेंसिटिव टॉपिक्स, तो ये बेस्ट ईमेल पे होता है, बाकियों पे कुछ हद तक उनका रिस्पॉन्स जो है वो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज, तो ये भी आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू पे तो बहुत मुश्किल है, टेलीफोन पे भी कम ही आप कर सकते हैं, मेल और यानी रिटर्न जहाँ है उस पर आप स्टैंडर्डाइजेशन बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए, फोर फॉर्म्स ऑफ डाटा कलेक्शन में, जिसमें इंटरव्यू, मेल, टेलीफोन और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्वेश्चनेयर थी। जी शाजिया लतीफ। सर ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या है? आपको लोगों ने जवाब दिए उनमें से देखना है कि अप टू द मार्क ये स्टैंडर्ड जवाब क्या है, ठीक है। वो क्योंकि उन्होंने आगे से कोई नंबर अलाट किए होंगे ना, टिक किए होंगे, क्वेश्चनेयर हो आपके पास और उसमें आपने कहा कि आपने स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक पांच ऑप्शन है आपने टिक करना है, स्ट्रांगली एग्री पांच है, एग्री जो है वो चार है, अनडिसाइडेड तीन है, डिसएग्री दो है, स्ट्रांगली डिसएग्री एक है। अब उसमें से पांच सात लोग जो हैं वो टिक कर देते हैं पांच को, अगले तीन को, दो को, तो इनमें से स्टैंडर्डाइज करना या इनका मीन निकाल के इनकी स्टैंडर्डाइजेशन देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि विच रिस्पांस इज द बेस्ट रिस्पांस। जी नुसरत नाज। सर ये मेरा क्वेश्चन था कि स्टैंडर्डाइजेशन में जो है इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो ये मुश्किल क्यों है, हालांकि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो फिर लोगों के जवाब किस तरह मुश्किल होंगे? हाँ वो एक बंदे को तो स्टैंडर्डाइज ही करना है ना, स्टैंडर्डाइज अमंग ऑफ द अवेलेबल डाटा करना होता है, तो कई हर लोगों के मुख्तलिफ तरह के चूँकि रिस्पॉन्सेज होने हैं तो उनको आपने नंबर्स नहीं अलाट किए हुए। स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा नंबर्स की बुनियाद पर होती है, ये उसकी स्टैटिस्टिक्स की एक टर्म है, तो स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको कुछ डाटा चाहिए नंबर्स और फिगर्स में, उनको फिर आप उनकी बुनियाद पर स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजर के स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, इसलिए उसमें मुश्किल है। थैंक यू सर। जी वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। जी सायमा कौसर। हेलो सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीना कौसर। हाँ जी सर, सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे हम लोगों से परफॉर्मेंस फिल करवाते हैं रिसर्च के लिए, तो मोस्टली लोग जो हैं वो नॉन सीरियसली उसको फिल कर देते हैं या उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता जिस टॉपिक से रिलेटेड हम उनसे वो फिल करवा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो डाटा उनसे ले रहे हैं वो उनको जो है वो अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज जिसके मुताबिक उसको फिल कर रहे हैं, या हमें मतलब हम कैसे जज कर पाएंगे कि हमारी रिसर्च जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? उसमें आप देखें ये यहाँ जो पॉइंट्स 10 11 लिखे हुए हैं कॉलम के अंदर, उसमें कहा है उसने कि रिक्वायर लिटरेट सैंपल, लिटरेट सैंपल जिन लोगों से आपने डाटा इकट्ठा कराना करना है वो लिटरेट हों, पढ़े लिखे हों, उन्हें उसका पता हो, ये मेक श्योर करें। नंबर टू ट्रेनिंग की बात है यहाँ, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, तो ये रिसर्चर की जिम्मेदारी है कि ये दोनों पहले करेक्टरिस्टिक्स पूरी करे फिर उनसे डाटा ले। हम ये नहीं करते, हमारे यहाँ ये जो सिलसिला चल रहा है आप भी करते रहते हैं हर वक्त फॉर्म शाम फिल हम भी करवाते रहते हैं, तो ये बस गले से उतारने वाली बातें होती हैं। सो मैं आपको अपना मैं बता देता हूँ कि हम इस इतने हाईएस्ट लेवल पे होके भी हम सीरियस नहीं होते रिस्पांस देने पे, यानी लोग दूर दराज से आते हैं या ईमेल करते हैं तो टाइम ही नहीं होता, उसका बेटर वे ये है कि हम किसी को कंसेंट ना दें, कंसेंट दी है तो फिर हम उसके प्रॉपर काम करें। जी नुसरत नाज। हाँ समीना आपने और बात करनी है?
जी सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो आपके लेक्चर्स हैं अपलोड सीएमएस पे, तो वो सर कंप्लीट सेशंस के नहीं हैं, जो मतलब जो है फर्स्ट लेक्चर या सेकंड किसी में दो सेशंस के हैं और किसी में तीन के हैं, तो वो कंप्लीट नहीं है सर। ऐसा होता है कि क्लास में कई दफ़ा ना नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा कोई सेशन या सेशन का कोई पार्ट हमारा मिस हो जाता है, तो वो हम रिकॉर्डिंग में जाके उसको जो है वो क्लियर कर लेते हैं अपने जो पॉइंट्स हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आप जो है वो होल सेशंस की जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दीजिए। मैं कर दूंगा। इस तरह हुआ है कि जो कुछ इब्तदाई सेशंस थे ना, उसमें सेव करते करते वो सेव नहीं हो सके, रिकॉर्डिंग तो होगी लेकिन सेव नहीं हो सके, तो आप आइडेंटिफाई कर दें। मैं उनकी ना वो अदरवाइज स्लाइड इसीलिए अपलोड साथ कर रहा हूँ ताकि वहाँ से भी आप पढ़ सकें। ओके थैंक यू। हाँ जी नुसरत नाज सर, क्या इनमें जब फॉर्म फिल करवाते वक्त ऐसा हो सकता है कि हम उन लोगों को लें जो इस फील्ड से रिलेटेड हों, मींस कि हमें पता हो कि ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या वो कोई अगर हम हायर एजुकेशन का टॉपिक है तो उसी जो है स्कूल से रिलेटेड उसी कॉलेज से रिलेटेड टीचर्स को लिया जाए? हाँ नुसरत, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है। जब पॉपुलेशन और सैंपलिंग की हम बात करते हैं तो ये अदरवाइज तो हम ले ही नहीं सकते, हम दूसरों के पास क्यों जाएंगे? यही तो, अगर टारगेट पॉपुलेशन ठीक है और सैम्पलिंग ठीक है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जवाब गलत हो या रिस्पॉन्ड उनका गलत हो। जी आयशा नजर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आई नीड टू टॉक अबाउट क्वेश्चनेयर्स बिकॉज़ आई फील द क्वेश्चनेयर्स आर यूज्ड एज अ टूल फॉर दिस यू नो सर्वे डेटा कलेक्शन। सो हाउ कैन वी चेक द क्वेश्चनेयर इज रिलायबल और नॉट? द क्वेश्चंस मेड आर टारगेटेड क्वेश्चंस, आई मीन दे आर इसीलिए है कि पहले देख सकें कि क्या हमारा रिसर्च टूल जो है वो रिलायबल भी है और वैलिड भी है। अगर उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ठीक है तो हम फिर उसको एडमिशन करते हैं, अदरवाइज उसके अंदर हम करेक्शन करते हैं। ठीक हो गया? तो ये बहुत नेसेसरी होता है कि क्वेश्चनेयर आप एडमिनिस्ट्रेट कर ही नहीं सकते टिल द टाइम यू गो फॉर सम पायलटिंग एंड इन द रिजल्ट ऑफ पायलटिंग यू मेक श्योर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दैट वेरी मच क्वेश्चनेयर। जी सोबिया कम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आप किसको प्रेफर करेंगे इन फोर टाइप्स में से, कि इंटरव्यू होना चाहिए, मेल के थ्रू करना चाहिए, टेलीफोन या डायरेक्ट? अच्छा, ये नेचर ऑफ, मैं नहीं पसंद करूंगा। बेसिकली रिसर्चर जो है वो रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करेगा। अगर सर्वे डिज़ाइन हो और हो सकता है ये चारों के चारों ही काम करने पड़े जी, हमें रिस्पांस रेट मैक्सिमाइज करना है ना, तो टू मैक्सिमाइज द रिस्पांस रेट हमें माइक भी सारे काम करने पड़े। पहले आप कर लें डाटा एडमिनिस्ट्रेशन कर लें, अगर 100% नहीं हुआ, 50 लोगों ने दिया डाटा तो बाकी उनको फिर आप फॉलो अप करेंगे, दोबारा उन्हें पूछेंगे, नहीं टाइम देते फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे जी आप टेलीफोन का टाइम दे दें, नहीं देते आप रिक्वेस्ट करेंगे जी मैं हमें ईमेल कर दें, मैं आपको ऑनलाइन सेंड कर देता हूँ। ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो डीप बन के पीछे पड़ा रहे अपने उस स्पेसिफाइड टाइम में मैक्सिमम रिस्पांस रेट लेने के लिए मल्टीपल वेज यूज करे, नॉट अ सिंगल वे। ओके सर। जी वेलकम। थैंक यू सर। जी हमारा, आपने अभी और बात करनी है? जी सर। करें। सर आपने अभी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की बात की, तो इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? जी दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी, कि जो टूल आपने बनाया है जहाँ भी आप इस्तेमाल करें और जब भी इस्तेमाल करें उसके सिमिलर रिजल्ट्स आए। बट वैलिडिटी उसकी ये है कि जिस काम के लिए बनाया है उसको ज़रूर मैयर करें। इसके एग्जांपल मैं यूँ भी दिया करता हूँ कि हम घरों के अंदर शलवार के अंदर नाला डालने के लिए बाल पेन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, बाल पेन की और नाला पानी की शक्ल एक जैसी है, लेंथ भी ऑलमोस्ट और मोटाई भी मिलती जुलती है, लेकिन
पेन इज नॉट वैलिड फॉर वो जो काम हम उससे ले रहे हैं, वेयर एज जो नाला पानी है वो वैलिड है नाला डालने के लिए। इसी तरह किचन में काम करते करते बाज़ औक़ात गलती हो जाए तो माँ एक डोई खड़का देती है बच्चे को, डोई जबकि सालन हलाने के लिए ना कि मारने के लिए, तो दैट इज वैलिड फॉर कुकिंग। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा चले, और हमारा आपने और बात करनी है करें जी। समीना कौशल आपका माइक ऑन है, आप बात करें। सदफ आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर, सदफ आबिद हियर। यस वेलकम सर। मैंने ये पूछना, मेरी कंफ्यूजन हो रही है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू में, काइंडली इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीन क्वेश्चनेयर जो लोगों को जाके देना, आपने डाटा इकट्ठा करना है अपनी क्लास से ही, तो आपकी क्लास का साइज है 50 पीपल, आपने जो क्वेश्चनेयर बनाया उसके 50 फोटोकॉपियां कराएंगे और उन सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फिल कर दें, ये है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरव्यू में आप उनसे एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, यानी आपको फैसिलिटी नहीं है कि आप क्लास में उनसे जाके ये इस तरह से डाटा इकट्ठा कर सकें। हार्डशिप है कोई फासले की ना आने की, लोगों के अवेलेबल ना होने की, या कुछ लोग नहीं पसंद करते कि आप पास बैठे रहें और वो उसको फिल करते रहें, तो फिर ऑप्शन सेकंड है कि आप इंटरव्यू कर लें। कुछ लोगों को शौक भी होता है कि जरा कैमरा होगा, हमारी बात होगी, जरा बल्ले बल्ले होगी। ऑडियो मेरी को क्या हुआ है,